हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर फुल मून और इक्लिप्स, आपके डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। और जैसे कि आप लोगों की कल की जो एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा आप लोग अपने डीएम को स्टॉक कर रहे थे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, और किसी भी तरीके से आपको ये फील हो रहा था कि वो भी मुझे याद कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कल का जो फुल मून था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। बहुत सारी डीएफ की पर्जिंग भी हुई है, क्लिंजिंग भी हुई है, और अपने डीएम की तरफ बहुत ज़्यादा पुल फील कर रही थी डीएफ। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, और जो कल आप लोगों की इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जी के साथ मिसिंग एनर्जी थी, मतलब आपको लग रहा था कि खुद ही मैं यहाँ से मैसेज कर देती हूँ, या मैं खुद ऐसा कुछ करूं जिससे मेरे डीएम मुझे देखे या मुझे कांटेक्ट करें, मतलब कहीं ना कहीं ये आप चाह रहे थे कि आप उनका ध्यान अपनी तरफ ले आए। तो ये एनर्जी ऐसी क्यों थी? कल नाइट में तो और भी ज़्यादा थी ये एनर्जी, लेकिन सुबह से बहुत ज़्यादा सैड वाली एनर्जी। कल बहुत सारी डीएफ का अपने फेस्टिवल में भी मन नहीं लग रहा था, बट रात होते होते तो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और अपने डीएम से बात करना चाह रही थी। तो ये क्यों हुआ? एक्चुअल में कल आपके डीएम की ये एनर्जी थी जहाँ पे उनका कहना था कि प्लीज़ मेरे तरफ आप एक लव वाइब्रेशन सेंड करो। अगर जिन डीएफ ने अपने डीएम को खुद मना किया है कि अभी आप चले जाओ या मुझे अभी बात नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि डीएम आते हैं फिर जाते हैं, आते हैं फिर जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए आते हैं एनर्जी लेके, फिर वो रन कर जाते हैं। लेकिन डीएफ को ये फील होता है कि मैं ऐसे क्यों एनर्जी दूं अपने डीएम को, ठीक है, पूरा वो अवेकन हो के आए मेरे पास। या फिर आपको पता होगा कि वो है अभी भी थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन आपसे भी बात कर रहे हैं, आप थोड़े टाइम तो बात करते हो सारी चीज़ों को भुला के, बट सडन क्या होता है कि एक ब्लास्ट होता है कि नहीं, मुझे पूरा डीएम चाहिए। ठीक है, ऐसा मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, उनको मैं फ्रेंड जोन में भी नहीं रख सकती हूँ। ठीक है, अगर आपके डीएम की शादी हो चुकी है, आप सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हो, बट सडन ये होता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए रिश्ता। ठीक है, तो आपने कुछ दिन पहले ही अपने डीएम को मना किया है मैसेज करने के लिए, बात करने के लिए, क्योंकि आप खुद चाहते हो कि डीएम फुल्ली अवेकन होके आए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, और साथ में कोई डीएफ की ये भी एनर्जी पिक हो रही है जो कि उनके डीएम खुद ही उनको ट्रिगर करके गए हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी के पास। ये चीज़ें तो होती ही हैं, लेकिन अगर आपके डीएम खुद ही गए हैं और साथ में अगर आपने अपने डीएम को मना किया है कि जाइए अभी, मुझे अकेले छोड़ दीजिए, मुझसे बात मत करिए, मैं खुद पर ही अभी ध्यान देना चाहती हूँ, अपनी लाइफ को ठीक करना चाहती हूँ, तो दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है कि डीएम ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आप उनके तरफ एक लव वाइब्रेशन सेंड करो। क्योंकि ये चैलेंज मुझे दो दिन से हो रही है जहाँ पे डीएम को कंटिन्यू एक एनर्जी चाहिए डीएफ की, लव वाली। ठीक है, अगर आपने उनको मना किया है तो बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, क्योंकि आपने खुद मना किया है सामने से, तो थोड़ा वो घबरा भी रहे हैं मैसेज करने के लिए। और साथ में अगर वो खुद गए हैं आपसे ये कहकर कि मैं अब ये रिश्ते में नहीं रह सकता हूँ, या मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मुझे अभी जॉब करना है या अपना करियर ठीक करना है, तो उसके बाद भी उनको एनर्जी चाहिए एक प्यार वाली, तो भी वो क्रेव कर रहे हैं कि मैं कैसे जाऊँ अपनी डीएफ के पास, क्योंकि मैंने ही कहा है ना उनको कि अभी मैं नहीं रह सकता, अभी मुझे अपनी लाइफ को, अपने करियर को ठीक करना है। तो इसलिए दोनों सिचुएशन में ये चाह रहे हैं डीएम कि आप उनके तरफ एक लव वाइब्रेशन सेंड करो, क्योंकि अगर जो डीएफ ने अपने डीएम को मना कर दिया है, तो वहाँ पे उनको ये हो रहा है कि प्लीज़ एक बार तो मुझे बताओ कि तुम भी मुझे मिस कर रही हो। ठीक है, अगर तुमने गुस्से में भी वो चीट बोली है, पता नहीं तुम्हें क्या चीज़ें बुरी लगी हैं जो तुमने खुद मुझे मना किया है कि मुझसे बात मत करो, क्योंकि आज तक तुमने कभी ये चीज़ मुझसे नहीं कही है, हमेशा तुमने मुझे प्यार किया है,
मेरा साथ दिया है, बट इस बार ऐसा क्या हुआ है कि तुमने खुद मुझे मना किया है? तो प्लीज मुझे एक बार बताओ, एक लव वाइब्रेशन सेंड करो। और जो डीएम खुद ही अपने डीएफ को टिगर करके गए हैं, वो भी बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं वहाँ पे। वो भी ये बोलना चाहते हैं कि मैंने जो गलती की है उसके बाद तो मैं कहीं ना कहीं खुद ही को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। जो मेरा ईगो है इस फुल मून के बाद बहुत ज्यादा खत्म होने वाला है, और मुझे पता भी चल रहा है कि किस तरीके से मैं अपने ईगो को खत्म करूं। और इसीलिए वो चाह रहे हैं किसी भी तरीके से आपकी तरफ से कोई ना कोई एनर्जी मिले, और जो कि आप भी मिरर कर रहे हो, और ये भी आप कर रहे हो कि किसी भी तरीके से डीएम का ध्यान मेरी तरफ जाए। कुछ भी आप कर सकते हो, आप स्टेटस में अपनी पिक लगा रहे हो या फिर आप अपनी पिक चेंज कर रहे हो, मीन्स ये चीज आप अपने डीएम से कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हो, क्योंकि डीएम वहां चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वहां से कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस आए तो फिर मैं आगे बढ़ूं। क्योंकि डीएम का ये चीज होता है, फियर बहुत ज्यादा रहता है, वो अपनी डीएफ से बहुत ज्यादा डरते हैं, भले वो आपको दिखाते नहीं है लेकिन ये चीज है, अपनी डीएफ से वो बहुत ज्यादा डरेंगे किसी चीज को बताने के लिए। और इसीलिए ऐसा होता है कि कई बार वो आपसे चीजें छुपाते हैं, फिर बाद में आपको सच्चाई पता चलती है कि ये मुझसे इस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो देखो आपको खोना नहीं चाहते हैं लेकिन बता भी नहीं सकते क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा वो डरते हैं। और इसीलिए अभी डर की वजह से वो आपसे कुछ आके बोल भी नहीं पा रहे हैं कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, अपनी बातों को शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दो, और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए मैं पूरा काम करूँगा खुद पर, तुम मुझे प्लीज बताओ तो कि मेरी गलती क्या है। क्योंकि अगर आपने उनको बोल दिया कि जाओ और आपने बताया नहीं है कि क्या चीज़ आपको बुरी लगी है, तो फिर वो यही सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मैंने ऐसा किया क्या है जो अचानक से सब कुछ ठीक था फिर भी तुमने बोल दिया कि जाओ मेरी लाइफ से। तो ये चीजें ना डीएम को बहुत ज्यादा इस वक्त खा रही है आफ्टर फुल मून और इक्लिप्स। कल का दिन भी उनके लिए बहुत ज्यादा हैवी रहा है, और रात होते होते तो बहुत ज्यादा वो सैड और पर्जिंग के साथ गुजार रहे थे, कहीं ना कहीं वो आपको मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं आपके डीएम। तो इसीलिए डीएफ अभी इस वक्त अपने डीएम के साइड एक लव वाइब्रेशन सेंड करो, भले आपकी एनर्जी जैसी भी हो, आपका बात करने का मन नहीं है डीएम से, ठीक है, उन्होंने जैसा भी आपके साथ किया है, बट ये मतलब नहीं कि आप उनसे रन करो, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है बट वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई ना कोई उनको ऐसा फील हो कि आप उनको माफ़ कर चुके हो या आपका गुस्सा जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो टेलीपैथी हमेशा चाहते हैं कि डीएफ से करते रहे और उनको पता चलते रहे कि डीएफ की अभी क्या एनर्जी है। तो बिल्कुल भी अभी इस तरीके से रन आपको नहीं करना है, क्योंकि अभी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। इस वीडियो से काफ़ी डीएफ ये भी बोलेंगी कि हम जब पेन में थे तो वो तो थर्ड पार्टी में मजे कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आप इसी तरीके से कंपेयर करते रहोगे डीएफ, अपने हार्ट चक्रा को कहीं ना कहीं ब्लॉक करके रखे हो, तो फिर कैसे आप अपने अपर चक्रा तक पहुंच पाओगे, क्योंकि ये जर्नी आपको दी गई है अपने सारे चक्रास को ओपन करना, बैलेंस करना और सबसे अनकंडीशन लव करना। जब हम अपने कार्मिक से इतना प्यार करते हैं फिर तो वो आपके सोल का एक हिस्सा है ना, तो उनको माफ़ करिए और प्लीज़ अभी उनके तरफ एक लव वाइब्रेशन सेंड करिए। किस तरीके से आप सेंड करोगे? अगर आपने खुद उनको मना किया है कि मैसेज मत करना, तो बैठिए आराम से, बिल्कुल अपने बॉडी को लूज छोड़िए। पहले तो इनहेल एक्सहेल आपको करना है बिल्कुल शांत होके, और ऐसी जगह को आप चूज करिए जहाँ पे कुछ देर के लिए आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ते जाइए, जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको आने दीजिए, बिल्कुल डीप में चले जाइए और फिर फील करिए कि आपके डीएम आपके सामने हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि क्यों नाराज हो, मेरी बातों का अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताओ,
फिर उसके बाद आप उनको बताओ कि क्या बातों का आपको बुरा लग रहा है, ठीक है, आपका जो ऑन ऑफ वाला सिचुएशन रहता है, या अभी भी आप थर्ड पार्टी में हो, या अभी भी आप अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो उनसे बोलिए आप, क्यों नहीं बोल सकते हो, वो आपके डीएम हैं, ठीक है, तो आप उनकी आंखों में आंखें डाल के ये चीज़ बोलिए, जैसा भी आप चाहते हैं, ठीक है, कि ये मैं चाहती हूँ, जो आप ये चीज़ें कर रहे हो मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद देखो कि आपके डीएम स्माइल कर रहे हैं और स्माइल के साथ ये चीज़ बोल रहे हैं कि ठीक है, आज से अभी से मैं ये चीज़ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और देखो वो आपसे हर एक चीज़ शेयर कर रहे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, उनकी आंखों में देखो एक प्यार, आपके लिए रिस्पेक्ट, और उनका थ्रोट चक्रा पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, जहाँ पे वो हर एक बात आपसे बता रहे हैं। और खुद को भी देखो कि आप बहुत पीस की स्टेट पे हो, बहुत स्माइल कर रहे हो उनकी बातों को सुनकर। फिर देखो कि आप उनको बोल रहे हो कि ठीक है, मैं आपको माफ़ करती हूँ, अब हम डेली बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, अब कोई भी ऑन ऑफ वाली सिचुएशन नहीं रहेगी हम दोनों के बीच। इस तरीके से आप उनसे बातें करो और एक लव वाइब्रेशन सेंड करो, ठीक है। और जो डीएफ कहीं ना कहीं अपने डीएम से ही ट्रिगर हुई हैं, यानी कि उनके डीएम उनको कुछ ऐसा बोले हैं या उनको खुद ही छोड़ के गए हैं, तो आप बैठो, ठीक है, अपने डीएम को सामने यूटिलाइज करिए, बिल्कुल डीप में जाते जाइए, ठीक है। उस वक्त ना जबरदस्ती का आप लोगों को कुछ भी नहीं सोचना है कि मैं ये चीज़ देखूं, बिल्कुल शांत हो जाइए, और जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, पहले तो उसको सुनने की समझने की कोशिश करो। फिर देखो कि आपके डीएम आपके सामने हैं और आप उनसे पूछ रहे हो कि क्यों मेरे साथ आपने ऐसा किया, और आपको पता है कि हमको ये जर्नी दी गई है, और जो भी मैं अभी कर रही हूँ, अपने कर्मा क्लियरिंग कर रही हूँ, अपने इशू को हील कर रही हूँ, वो चीज़ें आपको भी करनी है। अगर आप अपने कार्मिक वर्ल्ड से बाहर नहीं निकलोगे तो हम कैसे एक साथ आके एक सोल पर्पस करेंगे, उनको आप समझाइए, क्योंकि वहाँ पे उनको ये चीज़ें नहीं पता ना। तो आप अगर टेलीपैथी में बैठ के एक लव वाइब्रेशन वहाँ पे सेंड करोगे इस तरीके से बोल के, तो वो समझेंगे और सुनेंगे भी। फिर देखिए कि वो आपकी बातों को बहुत अच्छे से और ध्यान से सुन रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ, जो भी मैंने गलतियाँ की हैं उस पर मुझे बहुत पछतावा है, और आज से मैं अपनी गलतियों को सुधारता हूँ, जो भी मेरे कार्मिक हैं वहाँ पे मैं खुद के लिए स्टैंड लेता हूँ, अपना थ्रोट चक्रा ओपन करता हूँ, और जो मेरे हाइज गुड के लिए अच्छे नहीं हैं उन लोगों को मैं अपने लाइफ से रिलीज कर रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए, और मैं अब तुम्हारे पास आ चुका हूँ। इस तरीके से देखो, अगर वो थर्ड पार्टी में हैं तो उनको बोलो कि हमें एक ये जर्नी दी गई है कुछ न कुछ पर्पस करने के लिए, अपना कर्मा क्लियर, अपने ब्लॉकेज या अपने इशू को हील करने के लिए, ना कि एक जगह पे अटकने के लिए। तो जैसे भी आपको लगता है कि मेरी ये सिचुएशन है, अपने डीएम को मुझे गाइड करना चाहिए या बताना चाहिए, तो ये बेस्ट टाइम है डीएफ उनको बताने का, ठीक है, क्योंकि इस टाइम अगर जो भी चीज़ें आप बोलोगे सीधा सीधा उन तक ये बात पहुंचेगी जरूर, ठीक है। और आप लोग ये भी चीज़ करके देख सकते हो, अगर आपको लगता है कि पता नहीं उन तक ये बात पहुंचेगी कि नहीं, तो आप ये बोल के देखो कि आपके डीपी अच्छे नहीं है, तो आप ये डीपी लगाओ, आप ये कलर के कपड़े पहन के डीपी लगाओ। जो भी चीज़ें आपको लगता है कि मुझे ये देखना है कि मेरी ये बात मेरे डीएम तक पहुंच पा रही कि नहीं, तो आप इस तरीके से भी ये चेक कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मैं सामने अपने डीएम को नहीं यूटिलाइज करना चाहती हूँ, तो अपने हार्ट स्पेस पे अपने डीएम को फील करिए कि आपके हार्ट चक्रा पे ही आपके डीएम हैं, वहाँ पे उनका फेस देखिए, वो स्माइल कर रहे हैं, आपकी बातों को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये भी देखो कि आप भी बहुत अच्छे से उनको समझा रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि वो ही सब कुछ बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, आप भी चीज़ों को समझ रहे हो और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, दोनों के बीच में एक तालमेल बहुत अच्छे से बन रहा है। मतलब जैसा आप वहाँ पे बोल रहे हो वैसा ही आपको आंसर मिल रहा है,
या फिर डीएम कुछ बोल रहे हैं तो आप वैसा उनको जवाब दे रहे हो, मतलब दोनों तरफ से एक बातचीत होना जरूरी है, ठीक है डीएफ। तो ये है एक अर्जेंट मैसेज जहाँ पे डीएम चाह रहे हैं कि डीएफ की तरफ से एक लव वाइब्रेशन मिले और फिर वो कहीं ना कहीं स्टेप ले, ठीक है। तो ये चीज जरूर करें आप और फिर देखें कि आपके डीएम किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, ठीक है डीएफ। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।